दोस्तों मैं इतना अच्छा कुक करती हूँ कि मेरे हस्बैंड का स्टैंडर्ड मैंने ये कर दिया ये। मैं अपनी गर्लफ्रेंड ना नाम का सुना पे प्यारी तेरी पूछिए नहीं मैं किस तरह लान नहीं हूँ कितों शुरू किया जाए और कितों नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज मैंने बहुत सारी छोटी मोटी वीडियोस शूट की हैं इंस्टाग्राम के लिए, और जिसमें रेड लिप्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि 2-3 वीडियो रेड लिप्स के ऊपर ही हैं। शायद वो आपने ऑलरेडी देख ली होंगी, एक्चुअली नहीं देखी होंगी क्योंकि ये व्लॉग पहले जाएगा। सो या ये सारा काम हो चुका है मेरा यहाँ से कंप्लीट, एंड 3 बज चुके हैं ऑलरेडी। एंड अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, पर मैं दिखाना चाहती नहीं हूँ, पर इस रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। लाइक हर तरफ गहने, मेकअप, ब्रशेस, बिंदियाँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो गया है। हस्बैंड गए हैं किसी काम से, और जब वो गए थे तब मेरा प्लान था कि मैं ना आज के दिन के लिए बहुत हो चुका है, पर देन मुझे लगा कि यार सारा सेटअप है, वीडियो बैटरीज चार्ज हैं और मैं भी काइंड ऑफ चार्ज हूँ, तो अच्छा है कि मैं सारी चीज़ें फिनिश कर लूँ जो भी मेरी लिस्ट में है। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें फिनिश कर ली हैं, वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा प्रोडक्टिव दिन था आज, पर घर की हालत ख़राब है फ़िलहाल के लिए। इस रूम की, मेरी क्लोज़ेट की, क्योंकि मैंने शॉपिंग की है आपको पता है, तो जो भी मैं चीज़ें ट्राई कर रही हूँ या देख रही हूँ उतने मैं क्लोज़ेट से ढेर वाले ढेर लगा दिए हैं। सो आज मेरा ये भी प्लान था कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के शूट नहीं करूँगी तो लाइक दोबारा से नहीं आती तो मैं अपनी क्लोज़ेट को क्लीन करती। लाइव में मैंने बताया था कि आज हमारा मंचूरियन बनाने का प्लान था, वो इसलिए नहीं कि हम खाना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे दोस्त रेसिपी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रेसिपी को मैं शूट करना चाहती थी। वैसे मैंने पहले भी छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, पर बहुत सारे दोस्तों को वो समझ में नहीं आई कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, कह रहे बहुत तेज़ी से कर रही हूँ और डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इस बार मैं सोच रही थी कि डिटेल में शूट करूँगी जब मैं कुक करूँगी, इसलिए मैं मंचूरियन बनाने के बारे में सोच रही थी आज, पर ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। सो मंचूरियन को मैं स्किप करने वाली हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगेगा और इतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है। सो दूसरी ऑप्शन हमारे पास है कि हमारे पास डोसे का बैटर पड़ा है, उसको बना लेते हैं। मैं चटनी एंड सांभर बना लूँगी, शायद वो उतनी ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है और हस्बैंड थोड़ी हेल्प भी कर देंगे। सो क्लीनिंग के काम को आज पोल जाते हैं, इस रूम को लॉक कर देते हैं, ऐसे याद ही नहीं रखते कि इतने गंद है। ये बेस्ट है मेरे ब्यूटी रूम का, क्योंकि जब मैं अदर रूम्स को ब्यूटी रूम बना के वीडियो शूट किया करती थी तो फिर मैंने क्लीन अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें वो रूम को यूज़ करना होता है। पर बिकेज आपको ये रूम यूज़ नहीं करना है तो आप पुल ले सकते हैं, पर वर्गोज़ के लिए पुलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर हम पुल लेंगे। यहाँ से मैं चली जाऊँगी और मैं पुल जाऊँगी और कल करेंगे, कल सारा दिन डेडिकेट करेंगे सफाइयों को और कल हम सिर्फ व्लॉग बनाएंगे और कोई चीज़ शूट नहीं करेंगे। सो ये है मेरा अलतू फालतू ज्ञान मेरे दोस्तों के लिए। और मैं जाने वाली हूँ डाउनस्टेयर एंड मैं पीने वाली हूँ चाय, पर उससे पहले मैं मेरे आई मेकअप को रिमूव करने वाली हूँ। ओ गॉड, ओके आई हैव, क्योंकि इतना ज़्यादा आई मेकअप मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ है कि आई लाइनर की आदत नहीं है मुझे, और मैंने आज लाइनर लगाया तो मैंने अपना मुंह अजीब सा लग रहा है। सो हम रिमूव करेंगे। अगर कुछ दोस्त कहेंगे तेरी क्यों रिमूव कर दिया, तो यार ऐसा ही करती हूँ मैं, रिमूव कर देती हूँ आईज को और दोबारा से आईज को लाइटली कुछ और लगा लेती हूँ जो मैं बर्दाश्त कर पाऊँ, क्योंकि हर चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और आईलाइनर को एक्चुअली रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होती है क्यूटिप, ताकि आपका बाकी मेकअप मैसी ना हो, लाइक आपकी लैशेज नहीं हिलाए। पर इट्स ओके, आईलाइनर को हम ना दूसरे आईशैडो के साथ स्मज कर देंगे। तो जब आप मेरी तरह करते हैं ऐसे कि आपने मेकअप की जखना पाट ली है, तो आप फाउंडेशन ब्रश लेंगे जिससे आपने फाउंडेशन लगाया था, उससे आप इसको करेंगे दोबारा से कलर्स की ज़्यादा जुलूस नहीं निकले। सो अब आपकी आँखें अभी भी गंदी लग रही हैं, कोई बात नहीं। अब हम लेंगे ब्रश, इस पर मैं लगाऊंगी ब्राउन्ज़र, जो मैं ब्राउन्ज़र मेरे फेस को कॉन्ट्रोल करने के लिए यूज़ करती हूँ, और इसी से मैं मेरे आईज़ को थोड़ा सा कलर दूंगी, लाइक
क्रीज को हेयर देयर एवरी लाइन लगाऊंगी. अब मैंने क्लीन ब्रश पे लिया है और अब मैं आईलाइनर पे भी लगा रही हूँ ताकि वो भी छुप जाए. अगर थोड़ा थोड़ा दिखता रहे तो अच्छा है, पर ज़्यादा नहीं दिखे. सो इस तरह मैं कर लेती हूँ इसको दोबारा से टचअप, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि आपको मेकअप अच्छा लगता है आप रख सकते हैं अगर आप मेरी तरह हैं और लाइक अच्छा लगता है पार्टी के लिए. घर में आपको लगता है कि यार आपकी कितना है बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं नहीं रख पाती हूँ. तो मैं अब ब्लैक लाइनर लेके जो मैंने आई लैशेज पर पाउडर लगा लिया उसको कलर दे दूंगी ताकि जो मेरी लैशेज हैं वो वापस आ जाए जो बेचारी घूम गई है. इसी तरह हम मेरा फेवरेट पिद्दी लाइनर लुक क्रिएट करेंगे. सो ये हो गया मेरा लाइट मेकअप जिससे मैं खुश हूँ, इससे मैं हैप्पी हूँ, इसको मैं रख सकती हूँ. दूसरी बात आती है लिपस्टिक की. रेड लिपस्टिक को रिमूव करना भी मुसीबत है क्योंकि वो हर तरफ फैल जाती है, पर हम क्या करेंगे उंगली से रिमूव करेंगे, कोशिश करते हुए कि ज़्यादा गंद ना पाए. हाँ, सो अगेन से मैं ले रही हूँ फाउंडेशन ब्रश, इसको हम कर देंगे स्मच. वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं मेकअप का ज्ञान लूँगी, पर मैं दे रही हूँ. या तो मैं लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ या फिर मैं ये पिद्दी सी लिक्विड लिपस्टिक है, आई थिंक इप्सी बैग में आई थी, इसका नाम है लॉटी स्टे ऑल डे लिक्विड लिपस्टिक एंड शेड का नाम है सो गुड. एंड इससे आईलिड्स का थोड़ा सा कलर दे दूँगी. काफ़ी नेचुरल दिखने वाला पिंक है ये. अब इसको भी मैट कर लूँगी मैं. वैसे तो है ही लिक्विड मैट लिपस्टिक, पर मैंने चाहिए आएगा. तो इस तरह मेरी शानदार लुक घर के घरेलू लुक में कन्वर्ट हो गई है. अब मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा. मुझे चिंता नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप पहन लिया है. सो मैं तैयार हूँ मेरे घर के घरेलू काम करने के लिए, पर आज मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं तो मैं रेस्ट करूँगी. अब चाय पीऊँगी, रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे डाउन स्टेयर एरिया में भी डिज़ास्टर है. थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू हिम्मत, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी है, पर हम सुकून का सांस लेंगे और चिंता नहीं करेंगे ज़्यादा. एंड एक और चीज़ कहना चाहती थी मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो क्या है, हिम्मत ने जब कहा था कि उसे पार्टी चाहिए और जो मैंने वीडियो बनाई थी कि यस डे, उसमें हिम्मत ने इच्छा जाहिर की थी कि उसे डांस पार्टी चाहिए. तो मैंने कहा कि ठीक है यार, डांस पार्टी की क्या बात है, मैं भी डांस करूँगी. उस दिन मैं अच्छा फील कर रही थी, मैंने खूब सारा डांस किया. वैसे तब भी मैं थक रही थी, मैं कितनी बार उसमें बैठी होंगी कि एकदम से मेरी बॉडी ना लाइक एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो मैं बैठ जाती हूँ. पर फिर मैं सोचा यार नहीं नहीं नहीं, पुश किया अपने आप को मैंने कि देखी देखी जाऊँगी ये वो, और फिर हो गया वही काम. पेट मेरी को कोई प्रॉब्लम होगी, पेट मेरी अभी तक लाइक बैक मेरी में कोई प्रॉब्लम हो गई है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है. क्या मेरे चेहरे से दिख रहा है? नहीं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ना दिखे. पर यार वो इतनी अजीब है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो फिर बड़ी मुसीबत होती है. लाइक टीन जैसी बॉडी होती है मेरी, 2-4 घंटे लगते हैं मुझे नॉर्मल होने के लिए. सो इतना यार खरू नहीं पाना चाहिए, इतना ज़्यादा आपको आत नहीं चुकनी चाहिए. अगर आपके शरीर में दर्द है थोड़ा आराम से रहें. और वैसे तो ज़्यादातर दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा खुश हुए आप मुझे इतना खुश देख के, पर एक आधा बंदा था जिसने मुझे कहा कि अब तुम्हारी जोड़ों का दर्द ठीक हो गया है, तुम ख़त्म हो गया है. तो उनको मैं बताना चाहती थी यार उस दिन नहीं था, पर नच नच के मैंने उसको दोबारा वापस मंगा लिया है कि आ बैल मुझे मार. चंगा दोस्तों, लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड जा चुकी हूं. ओके दोस्तों, तो हस्बैंड आ चुके हैं तो मैंने सोचा कि इनको आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, इनसे कोई अंदरूनी बातें निकाली जाती हैं. आज आप हमें डिनर में क्या खिलाने वाले हैं? आज का मेन्यू डोसा, मसाला डोसा, दैट साउंड्स अमेजिंग. उत्पमा, उत्पमा अपनी गर्लफ्रेंड ना, मसाला पे उत्पम. ओह मैन, तो डोसा बनाना आंदा? हां. किद बनाईदा? वैसे आज का हमारा मेन्यू डोसा ही होने वाला है क्योंकि हस्बैंड लेके आए हैं डोसे का बैटर. एंड हस्बैंड को मैं अपस्टेयर्स इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये अब अपनी क्लोजेट को क्लीन करेंगे. नहीं, ओके दोस्तों, तो हम लोग दोनों ब्रेक पे जा रहे हैं, आपको थोड़ी देर में मिलते हैं. Every second Saturday is my closet cleaning day. How many, after how many years? 10 years? Every month. Decade the bath. Every month I do it. I have to do it. You guys do it? Guys, Vicky, इतना बंदा इतने confident होके झूठ बोलता है कि आप कहेंगे कि सच्ची बहुत ही प्यारा है. कभी नहीं क्लीन कर दे. कभी क्लीन की थी? कितने बारी करता मैं? एक कितने मिनट तो डायन नहीं पता लगा तू ये डब इतना झूठ नू पका दे क्यों? जिधर सात नू करके. Second Saturday तो करता ही करता हूँ. जिधर second Saturday छुट्टी होंगी इसी ना स्कूलों. ओ मेरा क्लोजर डे है. ओके दोस्तों,
आज हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं. नया साल चढ़ा है और हम लोग करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजर बनूंगी और मैं मेरे पति की भविष्यवाणी ढूंढ के दूंगी. तुम्हें चंगा लगता भविष्यवाणी सुनना? बड़ा मजा आता है क्योंकि कई बार ना कोई कोई चीजें हमारे साथ रिलेट करती है तो मजा आता है. वैसे हम दोनों ऐसे नहीं है कि उसी पे विश्वास कर लेंगे 110%. वैसे ही थोड़ा मजा ले लेते हैं पर विश्वास हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं. वैसे ही ना झूठ बोल के लाइक मेरे बारे अच्छी बातें बताती है. नहीं नहीं मैं तो हर लाइंस करके बताती हूँ आपको, पिक्चर सेंड कर देती हूँ. और एक्चुअली इनकी एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है कि तुम्हारा पार्टनर बहुत अमेजिंग होगा. आई डोंट नो क्यों. और उसको मैंने अंडरलाइन करके इनको फोटो खींच के भेजी. ये सिर्फ तो सिर्फ अपने लिए बनना चाहती है. और इनके एस्ट्रोलॉजी में ये भी लिखा हुआ है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा, मल्टी टैलेंटेड. अगर मैं वो पिक्चर ढूंढ के आपको भी पढ़ा दूंगी इतना सच है उसमें. I don't know, you guys believe it? Guys, मैं मल्टी टैलेंट. मगर यार इसने ना मुझे खुद एक दिन मैंने वो रीड की थी चीज एंड वो इसके बारे में थी. शी वॉज रीडिंग अबाउट और उस पर लिखा था कि रूमेटाइड अर्थराइटिक्स कि इन्हें रूमेटाइड अर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम होगी किसी साल में. वो मेरे कार्ड्स में थी लाइक बीते हुए साल में वो मेरे कार्ड्स पे. आई डोंट नो, समटाइम आई बिलीव इट समटाइम आई डोंट. जब तक मेरे पास बहुत दौलत शौहरत नहीं आ जाती आई एम नॉट गोना बिलीव इट एनीथिंग लाइक दिस. प्यारी फिर होते कभी आनी नहीं ना होती ना. क्योंकि मैनू एक बारी उठे. अच्छा मैनू एक बारी किसी ने संगरूर बस स्टैंड ते कहा सीगा कि तू बहुत अमीर होएगा. आई एम स्टिल वेटिंग. उम्र किन्नी ही तोड़ी उदो? मेरी उदो सीगी 12-13 साल दी. 20 की साल दी प्यारी. 30 साल हो गए वेट कर दे लो हुन ते कुछ कर ले. थोड़ा कह के चला गया मेनू. ओके दोस्तों ये 40s में नहीं है हुन तुसी प्लस ना कर लियो 12-30. हां ओके मजाक कर रही हूं मैं. ओके हुन कई दोस्तों ने कहना संगरूर इदा मतलब भाजी मलवई आ. हम आपको मिलते हैं कुछ देर में जब मेरे पति डोसा बनाएंगे. आज इनका डोसा देखेंगे कि कैसे बनाते हैं. और ये डोसे को बोलते हैं डोसा. बोलो डोसा. डोसा ओके लेट्स गो. ऑलराइट दोस्तों तो हस्बैंड ने ये टी शर्ट खरीदी है एसोस से और उन्हें पसंद नहीं आई है पर मुझे अच्छी लगी है क्योंकि ये लंबी है. इसको मैं लेगिंग के साथ पहन सकती हूँ और ये मैंने पहन ली है. और एक दुख भरी बात है एसोस की, हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा चाह के साथ कपड़े खरीदे, बहुत ज़्यादा खुशी खुशी के साथ क्योंकि वहाँ पर सेल चल रही थी. उन्हें लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी सेविंग करने वाला हूँ पर मैंने देखा नहीं कि asos.com है और .ca नहीं है. तो जब वो पे कर रहे थे मैंने उनको कहा कि आपको बहुत ज़्यादा कस्टम पड़ने वाला है मत खरीदो, पर पे कर दिया था उन्होंने ऑलरेडी. सो मुझे लगता है कि उन्होंने स्पेंड किए थे अराउंड $180 कुछ कपड़ों के लिए, 8-9 पीसेस के लिए और उनको कस्टम बढ़ा है $70. और जिनने पैसे सेव नहीं किए उन पैसे कस्टम के लिए लग गए जैसे मेरे साथ हुआ था मिसगाइडेड में. सो या वो खुश नहीं हुए अपने कपड़ों को देखकर. वैसे कपड़ों की क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी कि कहे बंदा कि वाह 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 बड़ा अच्छा चीज़ खरीदी है. सो या ये है स्टोरी अबाउट एसोस. मज़ा नहीं आया. मेरे हस्बैंड कंप्लेंट भी कर रहे थे लाइक शिपिंग कंपनी को, तो वो बोल रहे कि एसोस की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है. सो या ये है स्टोरी अबाउट एसोस. डाउनस्टेयर चलते हैं, मुझे कुछ एडिटिंग का काम करना है, उसके बाद कुक भी करना है क्योंकि हस्बैंड बस बोलते ही करते कुछ नहीं. लेट्स गो गाइस लेट्स गो. Chatting in a coffee shop, sitting by the windowsill, walking down 8th Avenue with you. Our fingers touching the light, you pull back blushing delight. Call me when you get back home. Meet me at Manhattan Henge, meet me under Columbus Circle. ऑलराइट दोस्तों तो बहुत अच्छे डोसा बन रहा है पर ये बैटर थोड़ा ज़्यादा ही फर्मेंट हो चुका है. हस्बैंड के रिव्यूज ले लेते हैं उनको कैसा लगा. ये जो टमाटर की चटनी है ये बहुत बहुत मज़ेदार बनी है. बहुत दस दो कितना लग गया. कमाल कमाल है.
और गाइस अब ये पिज्जे पिज्जे डोसे बन रहे हैं, पति ने बस नहीं ले आनी है। मैंने खाने हैं दो दर्जन, मींस 24 या 10 भी ते खाऊ है तो 24 ओए ये तो मैंने 20 चक्कर लाने पड़े दोस्तों डोसे ला लेके। ऑलराइट तो हस्बैंड के रिव्यूज आए हैं कि सांभर में चिली थोड़ी कम है क्योंकि हमारी जो रेड चिली है बहुत ज्यादा तीखी है, तो इस बार मैंने बहुत सोच समझ के डाली है, पर सांभर हमें थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है तो मैं उसमें थोड़ी सी और ऐड करती हूं। और सांभर एंड ये टमाटर की चटनी की रेसिपी मेरी कुकिंग चैनल पे जाएगी, आई डोंट नो कब पर जाएगी, और वैसे भी मैं उसमें काफ़ी सारी रेसिपीज अपलोड कर रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी कुकिंग चैनल पे जाके मेरी जो एवरी टाइम की रेसिपीज है वो वहाँ पे है, सिमर कैन कुक, आप वहाँ पे जाके। हिम्मत कितना डोसा यू लाइक इट? ऑलराइट दोस्तों पहले मैंने वीडियो बनाई पर मेरा माइक बंद था। ओके सो अब बारी आती है टेस्ट टेस्ट करने की, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है पर मैं फिर से आपके लिए करती हूँ आवाज़ वाला। टमाटर की ये जो गार्लिक वाली चटनी है बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनती है, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में, और सांभर भी बहुत अच्छा बना है क्योंकि जब मैं सर्व करती हूँ मैं हस्बैंड का टेस्ट करती रहती हूँ। दोस्तों मैं इतना अच्छा कुक करती हूँ कि मेरे हस्बैंड का स्टैंडर्ड मैंने ये कर दिया, ये संजीव कपूर के रेस्टोरेंट में भी जाके कहता है कि नहीं, ये उन्होंने खुद ही सुन लिया होगा बोलो। वो संजीव कपूर शेफ संजीव कपूर के खाना खजाना में जाके भी कहते हैं कि मजा नहीं आया। ओके पति कुछ कह दे, बोलो पति यार डोसा। दोस्तों मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ, रेसिपी की इंट्रो एंड आउट्रो कर रही हूँ, पति के डोसे की सप्लाई होगी बाद, पति अवा तवा बोलना शुरू कर दिया है पति ने, तो जल्दी से मैं डोसा बना देती हूँ पति का। एक तो पहला पति दे पेशेंस खत्म हो जाए, पंजाबी पति दे दो पैग लगे हो तो पति दा पेशेंस खत्म हो जाए तो फिर काम औखा हो जाता है दोस्तों, इससे पहले ही। ऑलराइट दोस्तों तो मेरे जो टी शर्ट है उस पर छिट्टे पै गए सांभर के, मेरे पति ने $500 ला के मंगाए कपड़े, सॉरी पति। लुक तेरी पसंद ही तू ही पानी है, और ये जचनी भी मेरे ते ही आ खुली है ना, ता तू ही ना कभी तारीफ करया ही ना करो, क्यों बग्गे बग्गे आ रे जचनी वे गोरी गोरी लगदी है मैं, ओ बहुत खुली ही मेरे तेरे चल फेटा नहीं, तेरे कहना मतलब मैं मोटी है, तेरे तो 25 किलो घटा पर मेरा पता नहीं कदा मारा कोनी, ये देख ठीक है, पहला कहो कि मैं पतली हूं और पतली क्षमा कर लूंगा, थैंक्स। ऑलराइट दोस्तों तो हमने सांभर खा लिया है एंड डोसे खा खा के बुरा हाल हो गया गाइस, घर में डोसा मत बनाना क्योंकि फिर आप खुले दिल से खाते हैं, है ना, वो बाहर खाओ बंदा एक खा के कहना चलो जी घर आन दे हो रहा और आके हम डोसा ऐसे खाते हैं जैसे बुर्कियां रोटी की बुर्कियां, रोटी तो रोटी चल रही नहीं, रोटी दी बुर्कियां नाले प्रसाद दे, तो प्रसाद एक प्रसाद हो यार, प्रसाद तो भी हैवी होता डोसा, तो ऐसे एक बुर्की वाली जान है दी पतला जा कागज आ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस ब्लॉग को पसंद किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या क्या के थक गई हूँ मैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें, मैं मिलूंगी आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों यू गाइस अ beautiful strong you guys can do any freaking thing, all you have to do is think about it and take action, that's it, easy peasy lemon squeezy, lot of action, bye, you are good without action, todi puchi ke sar honi chahiye aap de jande do karo ki puchi pehle puchi de karo kal phukka mari hai ne लाइक मीमी करो दोबारा करिए तेरी पुछे नहीं मैं किसी ना लैन देनी प्यारी तेरिया पुछिया से हमने कंगना बज के चल गई कैमरे च हमें चल गई कान च बज के थल्ले डेगी। ओके दोस्तों बाय।